अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपका यूपी बीटीसी डीएलएड एडमिशन 2019। तो दोस्तों लीजिए, आप लोग का रिजल्ट जारी हो चुका है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपना रिजल्ट देख लीजिए। और दोस्तों आप लोग का रिजल्ट जस्ट अभी अभी जारी हुआ है, तो अगर आपने दोस्तों अभी तक अपना रिजल्ट ना देखा हो तो दोस्तों इस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद आप लोग अपना रिजल्ट कैसे देखना है इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक चीज दोस्तों और इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट देखते सबसे पहले क्या काम करना है उसको भी जानेंगे इस वीडियो में, कब कैसे और क्या करना है। आप लोग का ये सवाल आ रहा था बहुत दिनों से, अब आगे का प्रोसेस भी दोस्तों हमें जान लेना चाहिए कि क्या होगा और ओवरऑल कैसा रहा रिजल्ट। कट ऑफ को लेकर दोस्तों बात करेंगे कि कैसी रही कट ऑफ। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज हो सबसे पहले आप लोग जान सकें। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी रिजल्ट और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जान सकें। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आप लोग का कट ऑफ कैसा रहा। ठीक है, कट ऑफ को लेकर काफी बच्चे असमंजस में थे, इस बार कैसी कट ऑफ गई। देखिए दोस्तों, इस बार की जो कट ऑफ गई ओवरऑल सही रही है, इस बार ना तो ज्यादा हाई गई ना ज्यादा लो हो गई है। मतलब सभी बच्चों ने जहां जहां अपने कॉलेजेस फिल किए, प्राइवेट कॉलेज, मैक्सिमम बच्चों को वो कॉलेज मिल गया। जिन बच्चों ने सिर्फ एक कॉलेज का विकल्प डाला था तो उन बच्चों में कुछ में दिक्कतें आई, लेकिन ओवरऑल बच्चों को दोस्तों जो कट ऑफ हुआ है, तो दोस्तों इस बार भी आपकी जो प्राइवेट की कट ऑफ गई थी वो हाइएस्ट फिलहाल 240 नंबर से लेकर प्राइवेट की कट ऑफ और लोएस्ट दोस्तों 220 तक भी जा चुकी है। तो मतलब अब कट ऑफ का रेंज आपका डाउन हो रहा, जो अभी हमने फर्स्ट राउंड में देखा था कि हाईएस्ट कट ऑफ 240 प्लस मतलब लोएस्ट हो गया था। दोस्तों जिन बच्चों का 240 से कम नंबर था उनको तो सरकारी कॉलेज मिला ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि किन बच्चों को सरकारी कॉलेज अलॉट हुआ है। जी हाँ, काफी बच्चों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सरकारी कॉलेज किसी को मिला है या नहीं। तो दोस्तों चलिए, खुशखबरी की बात है, जो बच्चे एससी और एसटी कैटेगरी से आ रहे थे उन बच्चों को सरकारी कॉलेज भी मिल चुका है इस बार। तो ऑब्वियसली से दोस्तों बात है कि जिन बच्चों को सरकारी कॉलेज मिला उनकी कट ऑफ 230 से कम रही होगी। 230 प्लस भी कुछ बच्चों की थी जो फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में भाग ना ले पाए किसी वजह से, किसी कारणवश, तो उन्हें सेकंड राउंड में मौका मिला दोस्तों और उनको सरकारी कॉलेज मिल गया। लेकिन कुछ जगह सरकारी कॉलेजेस की सीट पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी, तो वहां तो कोई मौका बना ही नहीं। अब बात करते हैं कि ओवरऑल आप लोग का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए ओवरऑल रिजल्ट तो बहुत ही अच्छा रहा इस बार कि अधिक से अधिक बच्चों का जो मनपसंद कॉलेज था आपका वो अलॉट हो गया। चाहे वो बच्चे कहीं के भी रहे हो, चाहे बनारस के रहे हो, चाहे इलाहाबाद के रहे हो, चाहे लखनऊ के रहे हो, चाहे आगरा के रहे हो, चाहे कानपुर के रहे हो, चाहे उन्नाव के रहे हो, रायबरेली के रहे हो, हर जगह के दोस्तों रिजल्ट काफी अच्छा था। चाहे बच्चे मेरठ, हापुड़ और शाहजहांपुर, बरेली, तो दोस्तों जितने नाम हमें याद आते वो हम आपको बताते जा रहे हैं। तो हर जगह का रिजल्ट दोस्तों इस बार अच्छा रहा। बच्चों के मैसेजेस आ चुके हैं काफी बच्चों के जिन्होंने अपना रिजल्ट भी देख लिया है, तो इस बार का रिजल्ट दोस्तों बहुत अच्छा रहा। अब दोस्तों आगे का प्रोसेस भी जान लेते हैं कि कैसे आगे क्या करना है। रिजल्ट आना बड़ी बात नहीं थी दोस्तों, रिजल्ट तो आ चुका है, अब हमें सबसे पहले क्या काम करना होगा। देखिए सबसे पहले कौन सा काम करना है, सबसे पहले दोस्तों हमें 10,000 रुपए की पेमेंट करना है। जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है, जिन मतलब सही सही दिख रहा कॉलेज का नाम, तो वो बच्चे 10,000 रुपए की पेमेंट कर देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। कुछ बच्चों ने जैसे अपने प्रेफरेंस लिस्ट में 10 से ज्यादा कॉलेज जोड़ रखे थे, 10 से ज्यादा, तो ध्यान दीजिएगा कभी कभी बच्चों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, गलत जल्दबाजी में कोई गलत कॉलेज ऐड हो जाता है। तो अगर वो गलत कॉलेज ऐड हुआ हो और वो कॉलेज आपको मिल गया हो तो दोस्तों फिलहाल आप फेज वन में जो आपकी 30 जुलाई तक अगले राउंड की काउंसलिंग 26 से होगी उसमें भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा, तो आपके पास मौका तो नहीं है, अब जो आपको मन करे वो कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, या तो दोस्तों आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाकर डायरेक्ट बात कर लीजिए कि आप क्या हमारा डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। देखिए होता क्या है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, एक बात इसको समझ लीजिए अच्छे से आप लोग, जो बच्चे ऑनलाइन आवेदन नहीं करते, जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन तो कर रखा है, आपकी कुछ ना कुछ रैंक आ चुकी है, उसके बाद दोस्तों आप लोग कॉलेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि अगर कोई प्राइवेट कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन देने को तैयार हो जाए। मतलब ये 200 कब होता है, जब आपकी पूल काउंसलिंग होती है, जैसे आप लोग को पता होगा बीएड में 31,000 सीटें रिक्त थी, तो उसमें बच्चों ने डायरेक्ट एडमिशन लिया, लेकिन वही बच्चे ले पाए जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो एक बार आप पहले कॉलेज से बात करेंगे, अगर वो तैयार होते हैं कि आपका डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं तो ही आप लोग दोस्तों ये रिस्क लीजिएगा, अन्यथा 10,000 रुपए की पेमेंट देकर आप लोग अपनी सीट लॉक कराइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी सीट को लॉक कराना है, नहीं तो आपकी सीट आपके हाथ से निकल गई तो क्या होगा, सोच सकते हैं आप लोग। तो उसके बाद दोस्तों हो सकता है कि घर के दूर का आपका कॉलेज मिले। देखिए सबसे पहले यही होगा, जो बच्चों ने अपने प्रेफरेंस लिस्ट डाला होगा वो अपने घर के पास का कॉलेज डाला होगा। सभी बच्चों को चाहिए कि यार घर के पास एडमिशन हो जाए, और क्या चाहिए। अब दोस्तों कब कैसे क्या करना है इसको जानते हैं। देखिए सबसे पहले कब,
आप आज रात में दोस्तों जो बच्चे घर से अपने आपसे खुद से पेमेंट कर सकते हैं वो रात में ट्राई करेंगे। रात को अपनी पेमेंट कर दीजिएगा दोस्तों 10,000 रुपये की। उसके बाद कैसे पेमेंट का दोस्तों मोड आपका है ऑनलाइन एटीएम कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट कर सकें वो कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए उसके बाद दोस्तों, अगर आप लोग आज ही पेमेंट कर देते हैं तो आप लोग का अलॉटमेंट लेटर जो प्रिंट का ऑप्शन आएगा उसको प्रिंट कर पाएंगे अलॉटमेंट लेटर को। तो वही अलॉटमेंट लेटर को आपको लेकर आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना, जिस भी कॉलेज का आपने मतलब प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे कि आपने किस प्राइवेट कॉलेज का निकाला अलॉटमेंट लेटर, तो उसी कॉलेज में आपको जाना है। तो वहां दोस्तों जैसे जाएंगे ना ये सब लेकर, तो अगर आप ये अलॉटमेंट लेटर आपके पास नहीं होगा तो आप किसी भी कीमत पर वहां पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। याद रखिए, आपके पास भले कितने डॉक्यूमेंट्स हो, क्या हो, कुछ ना हो, डायरेक्ट काउंसलिंग की दोस्तों हम बात नहीं कर रहे हैं। जो डायरेक्ट एडमिशन होता है वो प्रोसेस अलग होता है, लेकिन दोस्तों जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना ही चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। अब उसके बाद दोस्तों आप लोग का एक सवाल आ रहा होगा, रिजल्ट कैसे देखना है। तो दोस्तों अगर आपको रिजल्ट अपना चेक करना है तो आपके कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक को ओपन करेंगे दोस्तों, वहां पर लिखा होगा यहाँ से रिजल्ट देखें, उसको ओपन करिए। उसके बाद दोस्तों आप लोग को अपना क्या करना होगा, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद दोस्तों जो नीचे कैप्चा दिया गया उसको फिल करके गेट रिजल्ट पर क्लिक करना और सबमिट करना, बस। उसके बाद आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। तो ये बड़ी खबर है, अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट ना देखा तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपना रिजल्ट देखना है। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके मन पसंद का कॉलेज इस बार मिला है या नहीं, ठीक है। और बच्चों के सवाल आ रहे थे सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा सा हम बता देते हैं, जो कम से कम आपके पास होना चाहिए अगर एडमिशन के टाइम जाए तो, आपके पास ज्यादा नहीं तो कम से कम इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा। हाई स्कूल का पूरा फुल मार्कशीट सर्टिफिकेट के साथ जो आता है आपका, इंटर का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन का जो आपका फाइनल रिजल्ट है काफी कॉलेजेस में अब आ चुका है, अगर आपके पास आ चुका है तो उसको लेके जाइएगा, अन्यथा जो भी इंटरनेट के प्रिंट आउट होगा उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तीन ये हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूरी है, निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दो चीज जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या चाहिए होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी जरूरी है। और दोस्तों उसके बाद एक आपको एफिडेविट, हलफनामा टाइप का कुछ देना पड़ेगा, वो कॉलेज से जाएंगे वो आपको एक दे देंगे कि किस तरह आपको वो बनवाना है, तो 2-3 मिनट का लगेगा। ये तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3, 3, 6, ये 7, ठीक है। तो इतनी चीजें कम से कम आपके पास होनी चाहिए जब आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर दोस्तों आपने कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत तब पड़ेगी जब आपने इसका रिजर्वेशन कैटेगरी में लिया होगा, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी और एसटी, अगर आपने ओबीसी फिल कर रखा है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। और बात रही इनकम सर्टिफिकेट, ये सब तो चलिए बाद में लग जाएगा, लेकिन इतनी चीजें कम से कम दोस्तों आपके पास हो। फिर से हम बता दे, रिपीट कर रहे हैं, हाई स्कूल का जो फाइनल रिजल्ट, इंटर का जिसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर दोनों चीज होता है ना वही वाला कह रहे हैं, ग्रेजुएशन का 3 चीज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, डोमेसाइल निवास प्रमाण पत्र, मेडिकल जो हेल्थ सर्टिफिकेट दोस्तों बनता है आपका, एफिडेविट एक, और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तो इतनी चीजें दोस्तों कम से कम होनी चाहिए आपके पास जब आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो। और उसको दोस्तों आप लोग एक अच्छे से फाइल में बढ़िया से बनाकर लेके जाएंगे, ऐसे मत चले आइएगा, फाइल में दोस्तों उसको सेट कर देंगे, तो आपका ओरिजिनल भी लगेगा, ओरिजिनल भी दोस्तों देखा जाएगा। उसके बाद आपका दोस्तों सभी की कम से कम आप लोग दो दो फोटो कापी करा लेंगे, जी हाँ दोस्तों, कम से कम दो फोटो कापी और 5 पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लेके जाएंगे, ठीक है। 5 फोटो कम से कम, पासपोर्ट साइज जो छोटी वाली होती है ना, जो आपने आवेदन करते समय लगाया होगा वही वाली 5 फोटो ले लीजिएगा, और ओरिजिनल आपका जो भी हो मार्कशीट ये सब। और उसके बाद दोस्तों कम से कम दो दो फोटो कापी सभी की, तो इतनी चीजें जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो जल्दी से जाइए आप लोग, जल्दी से अपना एडमिशन करा लीजिए दोस्तों। और बात आती है एक डीडी भी आपके लगेगा दोस्तों, याद होगा ना, डिमांड ड्राफ्ट, जितना पैसा बच रहा है 31,000, तो कॉलेज में जाइएगा दोस्तों वो बता देंगे कि कैसे डीडी बनवाना है, किस नाम से बनवाना है। तो 31,000 दोस्तों ये भी आपके लगने वाले हैं। तो ये सब चीजें दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी चीज नहीं होगी तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो एक बार आप जाएंगे बात कर लीजिए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी दोस्तों तो कॉलेज वाले मैनेज कर देते हैं। अगर आपके पास देखिए दोस्तों इनमें से कोई सर्टिफिकेट या सब चीजें नहीं है, तो एक बार कॉलेज में जाकर 10,000 रुपये मतलब जो आप पेमेंट करने वाले हैं ऑनलाइन, उसको थोड़ा देर वेट कर लीजिए। अगर आपके पास जैसे लगता है कि यार ये मेरे पास चीज नहीं है, तो एक बार कॉलेज में जाके बात कर लीजिएगा कि हाँ वो आपका एडमिशन ले लेंगे कि नहीं बिना उसके, नहीं तो पता चले आपका 10,000 रुपये आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो वो रिफंड तो होने वाले नहीं है, आपको क्लियर पता है। जब 10,000 रुपये आपका रिफंड नहीं होगा तो क्या होगा, वो डूब जाएंगे ना। तो एक बार पहले आप कॉलेज में जाकर बात कर लेंगे कि यार सर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स ये चीज नहीं है, क्या आप बाद में ले सकते हैं अगर हम बनवा देते कोई दिक्कत, ये सब पूछ के एडमिशन लीजिएगा दोस्तों। और प्राइवेट कॉलेजेस वाले काफी बार मैनेज कर देते हैं,
तो आपको रिस्क नहीं लेना है। तो चलिए ठीक है, इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और जल्दी जल्दी आप लोग अपना रिजल्ट प्रिंट करते रहिए। और हाँ, अलॉटमेंट लेटर दोस्तों हमें बताइएगा कि आप लोग कौन सा कॉलेज अलॉट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद दोस्तों आगे हम लोग साथ में ही पढ़ने वाले हैं। आपका BTC फर्स्ट सेमेस्टर 6 अगस्त से आप लोग का कॉलेज शुरू होने वाला है, तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अब दोस्तों थर्ड राउंड की काउंसलिंग बस शुरू होने वाली है, उसके बाद दोस्तों देखा जाएगा कि जो बच्चों की रैंक 2.5 लाख से ऊपर आ रही है उनका कैसे आगे क्या मैटर होगा, सब कुछ अपडेट दोस्तों अगली वीडियो में जानेंगे कि जिन बच्चों की रैंक 2.5 लाख से ऊपर आ रही है उनका आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। क्योंकि काफी बच्चे दोस्तों इस बार ऐसे रह गए हैं जिन बच्चों की रैंक 2.5 लाख से ऊपर आ रही है और उनको भी एडमिशन का कोई भी और छोर दिखाई नहीं दे रहा। जो हमारी दोस्तों मिनिमम कट ऑफ गई थी 2.5 लाख में, मतलब लिया गया वो लगभग 181.99 लिया गया दोस्तों, ठीक है। ये अगर हमारी मिनिमम कट ऑफ है तो मतलब आपको समझ में तो आ रही होगी काफी बातें कि यार मैक्सिमम कट ऑफ 285 गई हमारी, मैक्सिमम 285 से दोस्तों लेके हमारी कट ऑफ गई है 181 तक। मतलब ये साफ है कि जिन बच्चों के 180 नंबर आ रहे होंगे इंटर हाई स्कूल ग्रेजुएशन को जोड़कर, वो बच्चे अभी तक मौका उनको नहीं मिला होगा, मतलब वो 2.5 लाख रैंक से ऊपर हैं। तो उम्मीद की जा रही है दोस्तों कि उनको पूरा मौका दिया जाएगा, क्योंकि यार 2.5 लाख के करीब इसमें सीट है प्राइवेट कॉलेजेस में, और सबको पता है कि सारे बच्चे एडमिशन नहीं लेने वाले। कुछ बच्चों से 2-2 बार रजिस्ट्रेशन हो गया, कुछ बच्चों से काफी बार गलती हुई है, तो आपको परेशान नहीं होना दोस्तों, आपका एडमिशन होगा और जैसे ही अपडेट्स आएगी दोस्तों हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए फिर तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और फिर मिलते हैं।